1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में तैयार किया गया हेलीपैड चोरी हो गया। अब चोरी हुए हेलीपैड को नगर निगम के अधिकारी ढूंढने में लगे हैं कि आखिरकार यह हेलीपैड कहां गया और किसने चोरी किया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर को हरियाणा दिवस को स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मनाया था। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से आगमन को लेकर गुरुग्राम के ही सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली पार्क की इसी जगह पर हेलीपैड तैयार किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि यहां हेलीपैड नहीं है। हेलीपैड तैयार करने को लेकर इस्तेमाल में लगाई गई सिर्फ एक टाइल ही यहां पर बची है। इस हेलीपैड में तकरीबन 2.88 लाख टाइल्स लगाई गई थी, जिसको लगाने में 46 लाख रुपए की लागत आई, लेकिन अब यह हेलीपैड चोरी हो गया। इसमें एक कंप्लेंट तो पहले ही आई थी, इनफैक्ट मेरे प्रीडिसेसर के टाइम जब सत्यप्रकाश जी थे उन्हीं के टाइम एक कंप्लेंट आई थी और उन्होंने 4 इंजीनियरों की कमिटी बनाई गई थी। वो कमिटी ने अब रिपोर्ट आगे बढ़ाई ही नहीं थी। ये जब संज्ञान में आई बात की, रिपोर्ट ही वो पेश अभी तक नहीं किए हैं, तो इसमें एडिशनल कमिश्नर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसके ऊपर कागज पूरा करके इंक्वायरी पूरा करा के हमें रिपोर्ट दिलवा। हेलीपैड चोरी होने की सूचना जैसे ही तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर टीएल सत्यप्रकाश को मिली, तो उन्होंने इसकी जांच को लेकर 4 इंजीनियर की एक कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन इन इंजीनियर्स ने 5 महीने बाद भी अपनी रिपोर्ट नहीं दी। अब मामला जब नगर निगम के मौजूदा कमिश्नर विकुमार शंकर के सामने आया, तो उन्होंने दोबारा इस मामले की जांच बैठा दी। इस बार जांच कमेटी का इंचार्ज नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर अमित खत्री को बनाया गया और 15 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए। एटलीस्ट मेरे हिसाब से जब बंदे को हम ZTO से कहते हैं कि जाके तू रिकवरी कर, सील कर, सरकार की हिदायत में नहीं है, दे रखा है, ठीक है, मैं उस पर वो नहीं करता, कौन जाएगा सील करने यार, तो मैं अपनी एफिशिएंसी के लिए करा रहा हूँ उसमें, नॉट डन, ठीक है। घर एक अलग, इसमें एक कंप्लेंट तो पहले ही आई थी, इनफैक्ट मेरे प्रीडिसेसर के टाइम जब सत्यप्रकाश जी थे उन्हीं के टाइम एक कंप्लेंट आई थी और उन्होंने 4 इंजीनियरों की कमिटी बनाई गई थी। वो कमिटी ने अब रिपोर्ट आगे बढ़ाई ही नहीं थी। ये जब संज्ञान में आई बात की, रिपोर्ट ही वो पेश अभी तक नहीं किए हैं, तो इसमें एडिशनल कमिश्नर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसके ऊपर कागज पूरा करके इंक्वायरी पूरा करा के हमें रिपोर्ट दिलवा। जांच के दौरान ही नगर निगम ने गुरुग्राम पुलिस को एक पत्र लिखा, जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयार हेलीपैड चोरी होने की शिकायत दी गई और मामले की जांच करने का आग्रह किया। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि 5 महीने पहले शुरू हुई इस जांच को इंजीनियर सेल ने अब तक पूरा क्यों नहीं किया और आखिरकार हेलीपैड को लेकर लगाई गई 288,000 टाइल्स कहाँ है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, नवीन की रिपोर्ट।